Very, very good evening to all of you. Here in this video, we will study about chapter 4 from class 7 NCERT science book. The name of the chapter is heat. In this chapter, we have already studied about hot object, cold object, how we can measure the temperature of the substances, and we have studied about the clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure the human body temperature and its range is 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. अब यहाँ पे बुजु हैज ए नोटी आइडिया और वो क्या करता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उससे हॉट मिल्क के टेम्परेचर को मेजर करना चाहता है बट पहली स्टॉक डिम फोर डिम सो तो डू यू कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई पहली जो है स्टॉक डिम जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अदर देन ह्यूमन बॉडी और अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो बिकॉज इस थर्मामीटर का रेंज है 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर में हम इस थर्मामीटर को रखेंगे तो थर्मामीटर विल ब्रेक तो अभी हम कुछ और थर्मामीटर देखते हैं जैसे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात की है तो अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर देखेंगे तो यह फिगर 4.4 में दिखाया है लेबोरेटरी थर्मामीटर और ये यूज होता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ मेनी अदर सब्सटेंसेस यहाँ पे इसका जो रेंज होता है दैट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे भी इसमें हम देख सकते हैं जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में नोट किया था कि जो स्मॉल डिवीजन है और यहाँ पे एक बड़ा डिवीजन है जो बड़े डिवीजन है उनके बीच में कितने स्मॉल डिवीजन है सपोज अगर हम 2 to 3 गए तो दिस इज ए बिग डिवीजन और इस बिग डिवीजन के बीच में एंड दिस बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे एक 1 जो बिग डिवीजन है इसके बीच में सपोज 10 स्मॉल डिवीजन है तो जो एक स्मॉल डिवीजन है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सपोज करो कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे है तो हम ये बोलेंगे कि 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड है ओके अब हम ये देखेंगे कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं ये देखिए आपको क्या करना है आपको एक बीकर में टैप वाटर ले लेना है और उसमें आपको थर्मामीटर डिप करना है जो ये थर्मामीटर का बल्ब होता है ये आपको टिप करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका थर्मामीटर है वो बीकर के किसी भी सरफेस से टच ना करे ना साइड में ना बॉटम में और आपको थर्मामीटर को वर्टिकली स्टैंड रखना है जब तक कि जो थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी लेवल है वो स्टेडी ना हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी जो रीडिंग आएगी उसको नोट डाउन करेंगे तो अभी ये क्या होगा ये जो हमें रीडिंग मिलेगी थर्मामीटर में ये किसका टेम्परेचर होगा ये होगा जो हमने टैप वाटर लिया था बीकर के अंदर उसका टेम्परेचर होगा अब क्या करना है इस टेम्परेचर को कंपेयर करना है बाकी के स्टूडेंट्स ने भी हम अगर बोलें कि अगर अदर स्टूडेंट्स या अदर फ्रेंड्स को बोलें कि उनको भी ऐसे ही टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है तो जो अदर स्टूडेंट्स ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उनका जो रीडिंग क्या आती है और आपकी रीडिंग क्या आती है उसमें कंपेयर करना है तो आपको ये देखना है कि आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग और अगर वेरिएशन आती है तो क्यों आती है तो चलो अभी थोड़ा सा एक्टिविटी 4.5 के बारे में पढ़ते हैं इसमें आपको क्या करना है एक बीकर में आपको हॉट वाटर लेना है और उसके अंदर थर्मामीटर को रख देना है अभी अगेन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थर्मामीटर है वो बीकर के किसी भी लेयर से साइड से बॉटम से टच नहीं करना चाहिए और आपको वेट करना है जब तक मर्क्यूरी थ्रेड जो है स्टेडी ना हो जाए जैसे ही मर्क्यूरी लेवल आपका स्टेबल हो जाता है आपको टेम्परेचर रीडिंग नोट करनी है अब आप क्या कीजिए थर्मामीटर को बाहर लेके आइए आप ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे ही आप थर्मामीटर को हॉट वाटर से बाहर लेके आएंगे जो थर्मामीटर में मर्क्यूरी लेवल है दैट विल बिगिन टू फॉल इसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर रीडिंग गलत आएगी आपको अगर हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो आपका जो थर्मामीटर है दैट शुड बी डिप इन दैट हॉट वाटर वो आपका हॉट वाटर के अंदर रहना चाहिए ऐसा नहीं कि बाहर निकाल कर देखेंगे अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जो क्लिनिकल टेम्परेचर था
सॉरी क्लिनिकल थर्मामीटर जो था उसमें हम जो टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, तो पहले उसको माउथ में रखते थे, उसके बाद उसको माउथ से बाहर निकाल के और फिर हम उसकी टेम्परेचर रीडिंग नोट करते थे। तो अब ये बताइए कि ये जो, क्योंकि इसमें इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने देखा कि जैसे ही इसको हॉट ऑब्जेक्ट से, हॉट वाटर से बाहर निकालेंगे, इसका टेम्परेचर जो है सडनली फॉल होगा। तो अब ये बताइए कि क्या ये जो लेबोरेटरी टेम्परेचर है, इसको बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? नोट, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज, क्योंकि आपने माउथ में रखा, माउथ के अंदर रीडिंग लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप बाहर लेके आओगे आपका मर्क्यूरी लेवल फॉल हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, तो उसको जब हम माउथ से बाहर निकाल के लेके आते हैं, तो उसमें मर्क्यूरी लेवल फॉल क्यों नहीं होता है? तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे फिगर 4.6 में आपका क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया है, इसके अंदर एक ये किंक होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए किंक इन इट, और ये जो किंक है ये आपके थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी लेवल है उसको फॉल नहीं होने देती है, ये बिल्कुल बल्ब के पास में रहती है। तो ये जो किंक है दैट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, इसीलिए हम बोलते हैं उसको जर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं अदर देन ह्यूमन बॉडी, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब बुजुर्ग को समझ में आ गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर हम जो हाई टेम्परेचर है उनको मेजर करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो वंडर था कि क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर को बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब बुजुर्ग वंडर है कि जो मर्क्यूरी लेवल है व्हाई इट इज चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो आपका जिस भी ऑब्जेक्ट के टच में जाएगा उसी का टेम्परेचर बताएगा। तो अब हम आगे क्या रीड करेंगे? ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे बताया है, ये था हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे, कंसर्न्स थे कि जो मर्क्यूरी यूज होता है थर्मोमीटर में, रिगार्डिंग दैट मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसको जैसे अगर हमारा थर्मोमीटर जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको डिस्पोज करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो प्रेजेंट टाइम में डिजिटल थर्मामीटर बनाए जा रहे हैं, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे डू नॉट यूज मर्क्यूरी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है 4.4, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। ये देखिए कि अगर आपने मान लो फ्लेम पे, गैस की फ्लेम पे हम एक फ्राइंग पैन रख देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपका पैन जो है गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो फ्लेम से आपके यूटेंसिल में पास हुई। अच्छा, अब आप क्या कीजिए, पैन को हीट से, फ्लेम से उतार कर दूर रख दीजिए, रिमूव द पैन फ्रॉम द फायर। तो आफ्टर सम टाइम इट स्लोली कूल्स डाउन। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अब ये कूल कैसे हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग। तो आपने दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया? पहले केस में आपकी हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही थी, मतलब फ्लेम से आपके यूटेंसिल की तरफ जा रही थी। और इन फैक्ट अगर हम बात करें तो एवरी टाइम आपका जो हीट है वो फ्लो करता है फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को, जो आपका यूटेंसिल था, उसको फ्लेम से दूर रखा, लेकिन उसके सराउंडिंग में कंपैरेटिवली जो है, आप उसकी सराउंडिंग के कंपैरेटिवली आपका ऑब्जेक्ट हॉट था, तो अभी जो है हीट आपका आपके ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में मूव कर गया और धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट जो है कोल्ड हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हाउ डज हीट फ्लो। चलो अब हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका हीट कैसे फ्लो कर रहा है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है छोटी सी, इसमें आपको एक रोड लेनी है या फिर कोई भी मेटल की आप फ्लैट स्ट्रिप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी मेटल। अब इसमें जैसे कुछ स्मॉल वैक्स पीसेज इस रोड के ऊपर फिक्स कर देने हैं, और इन पीसेज को हम इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। अब क्या करेंगे कि हम इस रोड को जो है एक स्टैंड के साथ क्लैंप कर देंगे, और अगर हमारे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो हम दो ब्रिक्स लेंगे और उनके बीच में इस रोड को रख देंगे। अब ये देखिए कि हमने रोड के एक एंड को जो ब्रिक्स है उनके बीच में रखा है, और जो दूसरा एंड है वो हमारा फ्री है।
अब जो दूसरे एंड के नीचे से हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे, हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड नाउ यू ऑब्जर्व व्हाट यू ऑब्जर्व नाउ, ये जो वैक्स था ये मेल्ट हो रहा है जैसे ही मतलब फ्लेम से हीट इसके पास आई, आपका रोड का ये वाला एंड जो है गर्म होगा, धीरे धीरे हीट इस एंड से इस एंड की तरफ ट्रांसफर होगी, जैसे जैसे हीट इस वैक्स वाले पॉइंट पे पहुंचेगी ये जो वैक्स है ये आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मतलब नीचे गिरेगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला पीस नीचे गिरेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका ये वाला एंड जो है यहाँ वाले एंड से पहले वैक्स नीचे गिर रहा है और फिर ऐसे इधर से नीचे गिरा है, नो, क्योंकि हीट आपका किधर से मूव कर रहा है, हॉटर रीजन से ये कोल्डर रीजन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कौन से एंड से, वो एंड जो आपका फ्लेम के पास में है, और कौन से एंड की तरफ, जो आपका दूसरी तरफ का एंड है जो ब्रिक्स के बीच में है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और यदि हम सॉलिड की बात करें तो इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सारे सब्सटेंसेस हीट को इजीली कंडक्ट कर देते हैं? अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मान लो आपके पास एक मेटालिक पैन है कुकिंग के लिए, उसमें जो आपका मेटालिक पैन है फॉर कुकिंग, अगर इसके अंदर एक प्लास्टिक या वुडन हैंडल है तो कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम दी हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपका जो मेटालिक पैन है, मेटालिक पैन आपका गर्म हो जाएगा, बट अगर इसके हैंडल वुडन है या प्लास्टिक है तो ये गर्म नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक और वुड है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट को अपने में से इजीली पास नहीं होने देता। अब हम यहाँ पे एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 4.7। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पैन या बीकर लेंगे, उसके अंदर हीट करेंगे इसको वाटर को, और अब हम कुछ आर्टिकल लेंगे जैसे स्टील का स्पून हुआ, पेंसिल हुआ, एक प्लास्टिक स्केल हुआ, जो भी मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो बच्चों के पास में होते हैं, और अब उन ऑब्जेक्ट्स के वन एंड को हम बीकर में डिप कर देंगे और हम वेट करेंगे कुछ टाइम तक। उसके बाद जो ये जैसे यहाँ पे दिखाया है फिगर 4.8 में, जो तो दूसरा एंड है हम उसको टच करके देखेंगे, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन क्या आती है वो टेबल 4.3 में लिखनी है। टेबल 4.3 में हमें क्या लिखना है, कॉलम फर्स्ट में हमें नेम ऑफ आर्टिकल लिखने हैं जैसे स्टील स्पून पेंसिल डिवाइडर, और इसका जो सेकेंड कॉलम है उसमें हमें लिखना है कि ये आर्टिकल किस मटेरियल से बने हैं, तो नेम ऑफ द मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ। मटेरियल वाला हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक में चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द मटेरियल। और उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें हम ये देखेंगे कि जो दूसरा एंड है, मतलब तो एक एंड को हमने हॉट वाटर में डिप किया है, तो दूसरा एंड आपका हॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डज द अदर एंड गेट हॉट, यदि हो रहा है तो हम यस लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो हम नो लिखेंगे। तो इसके बाद आपको ये छोटी सी एक्टिविटी करनी है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करनी है। अब ये देखिए कि जो मटेरियल्स अपने में से हीट को पास होने देंगे, जो मटेरियल्स अपने में से हीट को इजिली पास होने देंगे उनको हम बोलेंगे कंडक्टर्स ऑफ द हीट। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो अपने में से हीट को इजिली पास नहीं होने देंगे, उनको हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं उनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे वाटर और एयर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दोनों ही हीट के पुअर कंडक्टर हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर बोथ वाटर एंड एयर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।